जय हिंद दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश को सुने। दोस्तों बहुत सारी ऐसी भाषाएं हम जानते हैं जिसकी हमने कहीं पढ़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी उस भाषा को हम जानते हैं और बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस भाषा को सुन सुन कर सीखते हैं। उसी तरीके से यदि स्पोकन इंग्लिश आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को जितना ज़्यादा हो सके आप सुने। और दोस्तों मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसका इंग्लिश टर्म मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। हो सके तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट करिए, सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, जरूरत पड़े तो उसे सुने और उसके बाद उसे क्या करें, रिपीट करें। जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे अपने डेली कम्युनिकेशन में, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, माँ मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से, सिस्टर से, ब्रदर से, भाई से, बहन से, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसमें आप उस टर्म का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो एक न एक दिन आप देखेंगे इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आपने इंग्लिश सीखी। और उसी के संग संग मैं आपको बहुत सारे वो टर्न बताऊंगा, वो चीज़ें सिखाऊंगा, वो ग्रामर सिखाऊंगा जिससे आप इंग्लिश को फ्रेम भी कर पाएंगे और प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोज़ को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और क्लासेस कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और एक बात दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक्सेल की क्लासेस, एक्सेल सीखने को मिलता है, डेली अपडेट्स भी आपको मिलते हैं, अब आपको इंग्लिश की कोर्सेज भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपका पूरा सपोर्ट मिला तो आज हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिजिटली भी पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों बस सिर्फ केवल मात्र एक एक्सपेक्टेशन है आपके सपोर्ट की, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख के हमारा सपोर्ट करें, हम आपको और भी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे ताकि आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें और एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स विथ हिंदी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप अपने डेली लाइफ में कम्युनिकेशन के समय कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ करते हैं, तो इसको रिपीट करते रहिएगा दोस्तों, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके उसे रिपीट करिए, डेली सुनिए, तो आपका सुनने से आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ओपन माइंडेड, खुले विचार वाला, ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला। स्पिरिचुअल, धार्मिक, लेबोरियस, मेहनती, ब्रॉड माइंडेड, जो समाज के दायरे को नहीं मानता और एक अलग सोच रखता है। नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला आदमी, हम लोग अपने अक्सर लाइफ में बोलते वो बहुत छोटी सोच वाला इंसान है, तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, तो वो बहुत नैरो माइंडेड है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ही टर्म हमने इंग्लिश का यूज़ किया, नैरो माइंडेड। इसी तरह अपने डेली लाइफ में इसको हम यूज़ करेंगे। लायन, हर्टेड, शेर दिल। चिकन, हर्टेड, डरपोक। स्टोनी, हर्टेड, पत्थर दिल। डेयर डेविल, साहसी, बेधड़क आदमी, जो साहसी, डेयर डेविल, हम लोग साहसी की जगह बोल सकते हैं कि वो काफ़ी डेयर डेविल इंसान है, व्यक्ति है, आदमी है। बैकबीटर, चुगलखोर व्यक्ति, ये सब हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हम हिंदी में ना यूज़ करके उस टर्म को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में यूज़ करेंगे। अनकॉशियस, बेहोश। कॉन्शियस, होश में। इन ट्रबल, मुसीबत में। एनकरेज, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। तो हम कर सकते हैं कि आप उसको प्रोत्साहित करें, तो हम उसकी जगह इस टर्म को यूज़ करेंगे इंग्लिश में, आप उसे एनकरेज करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे वर्ड हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं,
छोटे छोटे टर्म इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख भी रहे हैं। इसे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, रिपीट करिएगा बार बार। मैं एक ही चीज़ पे प्रेशर दे रहा हूँ दोस्तों, बार बार रिपीट करिएगा। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करिएगा, उस टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिएगा। और हम लोग अक्सर लाइफ में यूज़ करते हैं उस शब्द को, लेकिन हिंदी में। अब से हम लोग अपने हैबिट में एक चेंजिंग लाएंगे, उस चीज़ को हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। ग्रीडी, लालची। मोरोन, निहायती बेवकूफ। हंग्री, भूखा। वर्कहोलिक, जो बहुत काम करता हो, मेहनती हो, उसको हम लोग वर्कहोलिक बोलते हैं। और इंग्लिश टर्म का यूज़ भी हम लोग मेहनती की जगह यूज़ कर सकते हैं। थर्स्टी, प्यासा। हम बहुत प्यासे हैं तो हम बहुत थर्स्टी हैं। तो इस छोटे छोटे टर्म का हम लोग यूज़ करके इंग्लिश को अपने काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और भी कुछ नए टर्म हम लोग सीखेंगे। और एक बात दोस्तों, रिपीट, प्रैक्टिस, उसी चीज़ को यूज़ करिएगा। अपने हैबिट को थोड़ा सा हम लोग को अब चेंज करना है, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है। दोस्तों, वीडियो कैसी रही, आपने क्या सीखा, यदि सीखा और वीडियो अच्छा रहा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और पूरी वीडियो को देखिएगा और इंग्लिश सीखिएगा। फिर अगली क्लासेस में, अगली वीडियो में नए कुछ टर्म्स हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे टर्म्स हम आपको इंग्लिश और हिंदी टर्म्स बताएंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है। और उससे एक न एक दिन ये पूरा सीरीज ख़त्म होने के बाद, जिसमें हम आपको बहुत सारे वर्ड्स सिखा देंगे, बहुत सारे कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे, अनकाउंटेबल वर्ड्स आप सीख जाएंगे। तो उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हमने कुछ सीखा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।